Hey guys, welcome back to ATZ TV. Thank you for stopping by for another TV serial video. और जस्ट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, एक स्मॉल अनाउंसमेंट. हम लोग दो चीज़ें करने वाले हैं आज. TRP रेटिंग्स के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग, और दूसरा चीज़ जो है हम लोग बात करेंगे वो होगा चैनल अपडेट्स के बारे में. ओके, सो अगर आप अपडेट सिर्फ अपडेट्स देखना चाहते हो तो प्लीज़, मैंने यहाँ पर जो है लिस्ट किया है, मतलब चैप्टर किया है, तो प्लीज़ अपडेट सेक्शन पर जाइए. अगर आपको ये टीवी सीरियल रेटिंग्स के बारे में देखना है, देन यू कैन वॉच द रेस्ट. बोथ इफ यू वॉन्ट टू सी बोथ, नो इश्यूज. सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट TRP रेटिंग्स, और मैं हर वीक जो है TRP रेटिंग्स बनाता हूँ. सो इफ यू वॉन्ट मोर TRP रेटिंग्स, डू सब्सक्राइब, डू लाइक. अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो आप लोग. ऑल्सो आई वुड से डू फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. टॉकिंग अबाउट TRP रेटिंग्स, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोगों को देखने लायक है TRP रेटिंग्स में इस वीक के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू अनुपमा वंस अगेन विद द हाइएस्ट TRP एट 3.9. ऑब्वियसली अनुपमा को छोड़ के कोई कंपटीशन नहीं है. सेकंड प्लेस में आता है घूमे किसी के प्यार में विद 3.0, एंड थर्ड प्लेस वी हैव इमली एट 2.8. ओके, उसके बाद जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस 2.4, अगर किसी को पूछना हो तो. और अगर मैंने आपका सीरियल का TRP इस वीडियो में नहीं बताया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं जवाब दूंगा आप लोगों को. सो मैंने इन क्लियर किया, अब बच्चा क्या है. ओके, सो काटेलाल एंड सन्स जो है उसका TRP बहुत ख़राब आ रहा है, 0.4 ही पर टिका है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ऑफ एयर हो जाएगा ये सीरियल अगर ऐसा ख़राब TRP लाता रहा तो. ओके, सो वॉ काटेलाल एंड सन फैंस, प्लीज़ स्टे वॉन्ड, आपका सीरियल जो है डेंजर जोन में है. टॉकिंग अबाउट 7 o'clock टाइम स्लॉट लीडर ससुराल सिमर का सिक्स थर्टी का टाइम स्लॉट लीडर ससुराल सिमर का सीजन 2 टेक्स द लीड वंस अगेन एंड इज द टाइम स्लॉट लीडर एट 6:30. मेहंदी रचने वाली का आया है 1.0 और ससुराल सिमर का सीजन 2 1.1. देन ऑफकोर्स 7 o'clock उदयवियन एट 1.5. शौर्यानों की कहानी सेम अगेन 1.0, कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं. 7:30 स्लॉट पर पांड्या स्टोर विद जस्ट 1.7, बहुत कम हो रहा है इन दिनों में, मीन इन हफ्तों में एक्चुअली. और सेकंड प्लेस पे है छोटी सरदानी 1.3. सो अगर छोटी सरदानी अपना कार्ड्स जो है बहुत अच्छी तरह से खेले तो आई थिंक वो इस टाइम स्लॉट पर लीड करेंगे. ऑफकोर्स उसके बाद जो है 8 बजे का गुमे किसी के प्यार में, 8:30 जो है हम लोगों का इमली, 9 o'clock साथी बांधना साथिया 2 विथ 2.3 TRP, और कुमकुम भाग्य का TRP घट चुका है एंड इज जस्ट 1.7. सो अगर कुमकुम भाग्य अपना टाइम स्लॉट लीड करना चाहते हो तो कुछ और भी इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा. इवन दो जो है लीप के बाद बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है स्टोरी, ओवरऑल देयर इज नो मच इम्प्रूवमेंट. उसके बाद जो है ये रिश्ता क्या कहलाता है का आया है 2.2, लेकिन जीता है कुंडली भाग्य विथ 2.4. ओके, 9:30 का टाइम स्लॉट, 10 बजे का टाइम स्लॉट ऑफकोर्स वो रखा है अनुपमा के लिए विथ 3.9 TRP, एंड उसके बाद 10:30 का टाइम स्लॉट पर लीड क्या कर रहा है यह चाहते विच देर इज नो कॉम्पिटिशन, सो मैं कुछ बोल तो नहीं सकता हूँ विथ 2.3. दैट्स इट. सो नाउ वील टॉक अबाउट अदर सीरियल्स. फर्स्ट लक्ष्मी घर पर आई है, उसका नया इस वीक का TRP आया है 0.4, और राधा कृष्ण का TRP बहुत घट चुका है, फ्रॉम 0.8 टू 0.4 तक गिर चुका है. सो राधा कृष्ण फ्रेंड्स प्लीज़ स्टे वॉर्न्ड, आपका सीरियल मुसीबत में है. ऑफकोर्स नाइस टू सी लक्ष्मी घर पर आई है इतना हाई TRP के साथ, लेकिन इट इज़ वेरी कॉमन इन स्टार प्लस की फर्स्ट वीक उनका TRP बहुत हाई आता है, उसके बाद जो है चला जाता है. सो कोई विश्वास नहीं है मुझे स्टार भारत के सीरियल्स पर. आपकी नज़र ने समझा का ओवरऑल TRP 0.8 है तो आई थिंक इट्स गुड, लेकिन ऑफकोर्स आपकी नज़र ने समझा का कोई कंपटीशन नहीं है, तो आई कांट से कि इसका TRP बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, जस्ट आई कांट स्पीक एनीथिंग.
सब टीवी का हीरो गायब मोड ऑन का टीआईपी सेम आ चुका है, सो नथिंग मच ऑफ एन इम्प्रूवमेंट देयर, और अगर उसका टीआईपी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो सैडली इट विल गो ऑफ है. भाग्यलक्ष्मी विल टेक द प्लेस ऑफ तुझसे राब्ता, सो क्या तुझसे राब्ता का टीआईपी इंक्रीज डिक्रीज होता है, इट डजेंट मैटर एट ऑल नाउ. ओवरऑल हमारी वाली गुड न्यूज थी, मैं एक जिंदगी का टीआईपी ओके चल रहा है, कुर्बान हुआ इज गोइंग फाइन मुझे लगता है, क्योंकि टाइम स्लॉट चेंज होगा ज़्यादा से ज़्यादा करके. एंड यस दैट इज़ फॉर कलर्स टीवी, मुझे लगता है नामक इसका विल गो ऑफ है, इवन दो अच्छा टीआरपी है लेकिन उसके टाइम स्लॉट के लिए इतना अच्छा नहीं है 1.3 के साथ. ससुराल सिमर का सीजन 2, उदयन आर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल, कोई इश्यू नहीं है इन सीरियल्स के बारे में. एंड टीवी का ओवरऑल ऑल सब सारे के सारे सीरियल्स का टीआरपी बहुत कम है, 0.3 से कम, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू कवर इट. तारक वगले की दुनिया का आया है 1.1, वेरी गुड. होपफुली वगले की दुनिया का टीआरपी और भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यही सीरियल है जो सब टीवी को बचा रहा है अलॉन्ग विद तारक मेहता का उल्टा चश्मा. ओवरऑल टॉकिंग अबाउट लाइव सी शोज, देन आई थिंक सुपर डांस चैप्टर 4, क्या नाम रखते हैं लोग, इट हैज़ अ हाईएस्ट टीआरपी आई थिंक विथ 2.5 के साथ, और दूसरा जो है इंडियन आइडल 12 विद 2.4. सो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट रियलिटी शोज, और भी रियलिटी शोज आएंगे फ्यूचर में लेकिन वो फ्यूचर में देखेंगे हम लोग. सो ओवरऑल आई वुड लाइक टू से प्रिटी कॉमन टीआरपी वीक, कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है बिकॉज कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ ही नहीं आया है, सो लेट्स सी इन द फ्यूचर कि क्या होता है. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन टीआरपी एनालिसिस, हम लोग हर वीक करेंगे टीआरपी एनालिसिस, सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू वॉन्ट वो. अगर मैंने आपका टीवी सीरियल का नाम नहीं लिया है माफ़ी चाहता हूँ फिर से, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. नाउ टाइम फॉर द अपडेट सेक्शन, सो फॉर दोज हु आर वॉचिंग ओनली द टीआरपी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, सी ऑल मोर वीडियोज कमिंग सून, एंड टाइम फॉर द अपडेट सेक्शन. ओके गाइस, टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जो नॉर्मली अपडेट्स चाहते हैं चैनल के बारे में, ओके सो आई हैव सम थिंग्स टू क्लियर अबाउट विथ यू ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूछेंगे कि मैं माइक हाथ में क्यों रख रहा हूँ, सो आई डोंट नो बट आई एम होल्डिंग इट. सो नाउ वी टॉक अबाउट अपडेट्स. फर्स्ट आप लोग पूछेंगे कि मैं हर दिन 2 वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ, तो बेसिकली गाइस मैंने आज कल या 2-3 दिन सोच रहा था और मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियल जो है हमारे चैनल पे जो है अच्छा व्यूज़ लाते हैं, ओके बहुत व्यूज़ लाते हैं, अगर मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया देन आई विल कंटिन्यू मेकिंग दैट. सो अगर आपने देखा तो लास्ट 2-3 वीडियोज़ जो है पूरे के पूरे दूसरे टीवी सीरियल्स पर ही है. मैं तो डेफिनेटली ये कंटिन्यू करूँगा, मैं टेस्ट करूँगा 1-2 वीडियोज़ हर सीरियल पर. एज ऑफ नाउ देर ओनली 7 सीरियल्स जो मुझे व्यूज़ लाते हैं, मतलब चैनल को बहुत व्यूज़ लाते हैं, और उनमें से 3 सीरियल्स ऑफर हो रहे हैं. सो इसके कारण जो है आई नीड टू फाइंड सीरियल्स दैट यू नो व्यूज़ लाएंगे मुझको. आई एम नॉट अ नॉर्मल टीवी सीरियल चैनल, मैं थोड़ा आई प्रीफर टू जॉइन द सीरियल्स, में डायरेक्ट न्यूज़ नहीं देता हूँ. सो एज्यूम करता हूँ तो लेट अस एज्यूम एक सिचुएशन, एज्यूम मुझे 7 निभाना 7 या 2 पर जब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ उस पर मुझे बहुत व्यूज़ मिलता है, तो मैं उस पर और वीडियोज़ बनाऊँगा, जैसे वॉट शुड अ सीरियल इम्प्रूव, क्या टाइम स्लॉट चेंज करेंगे, या ऐसे मतलब क्या स्टोरी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मतलब माई ओपिनियन वीडियोज़ जब न्यूज़ कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं हो तो. ओके सो डिपेंडिंग ऑन दैट एज ऑफ नाउ जो है 7 सीरियल्स आ दे आई टोल्ड यू, एंड देन दिस सेकेंड जोन जो है रेड जोन में बोलना, ये जो है ग्रीन जोन में बात कर रहा था, सेकेंड जो है रेड जोन, अगर आपको नाम सुना ही होगा तो रेड जोन इज़ बेसिकली सीरियल्स जो मैं कितने भी बनाऊँ व्यूज़ नहीं आते हैं. ओके नॉट डैट ये मुझे लोगों को मुझे ये वीडियोज़ पसंद नहीं है इस सीरियल के, सो आई थिंक आई शुड नॉट मेक इट. ओके उन एग्जाम्पल इज आई वुड लाइक टू से जो ऑफेयर सीरियल्स हो गए हैं, जो सीरियल्स ऑफेयर हो गए हैं एक्सक्लूडिंग ब्रह्मराक्षस मोस्टली ऑल ऑफ दोज, देन आई वुड कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य, उन पर तो व्यूज़ नहीं आते हैं. और सो एग्जाम्पल ओके थर्ड कैटेगरी इज द बकेट. ओके ये सीरियल्स जो है मैं ट्राई करूँगा और देखूंगा 1-2 वीक में कितना व्यूज़ आते हैं इस सीरियल पर. तो अगर व्यूज़ बहुत अच्छा आए दे गो इन ग्रीन लिस्ट, अगर व्यूज़ खराब आए
तो रेड लिस्ट, और अगर ओके है और टेस्ट करना चाहता हूँ तो वो बकेट लिस्ट पे ही रहेंगे। सो विद दैट करेंटली अबाउट 27 सीरियल्स आर इन रेड जोन, मोस्टली आर ऑफ है, ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल्स ऑफ है हो गए हैं। सो नॉट अ बिग डील अबाउट दैट, एंड डोंट वरी, आई विल कवर देम। अगर कुछ बड़ा न्यूज़ आया हो आई विल कवर, बट उन पर वीडियोज़ बनाने के चांसेस थोड़ा कम है ऐसे समझो। नाउ अपडेट अबाउट मी, एग्जाम था 20th पर, मैंने बताया है वो शिफ्ट हो चुका है 30th पर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आई थिंक फॉर योर, फॉर मी आई डोंट नो, मेरा हालत ही खराब है। सो ऑफ कोर्स आपको पता है ओलंपिक्स 23rd पर स्टार्ट होंगे, वी विल बी कवरिंग द ओलंपिक्स, ओके, बिकॉज माई फेवरेट मोस्टली रिएक्शन वीडियोज, नथिंग सो डिफिकल्ट कॉन्टेंट। टी वी सीरियल वीडियोज विल कम एज नॉर्मल मोस्ट प्रोबेबली, एंड मे बी इन दिनों में मैं सिर्फ 4 मिनट 5 मिनट का वीडियोज ही बनाऊंगा देखने के लिए, क्योंकि 8 मिनट का वीडियो बनाता हूँ मैं जरूर, लेकिन उसका वीडियो रिटेंशन टाइम होता है 1 मिनट 10 सेकेंड्स, 1 मिनट 20 सेकेंड्स। इसका बेसिक मतलब है कि आप लोगों को पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखते हो, नो इश्यूज, आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसी गलती से मैं यू नो सुधारना चाहता हूँ, और जो वीडियोस का रिटेंशन कम आता है वो 4 मिनट, ओके, एज्यूम Q&A है, ओके, तो वो ऑफकोर्स मैं 4 मिनट 5 मिनट रख नहीं सकता हूँ, तो वो लंबे वीडियोस होंगे। अनाउंसमेंट वीडियोस लंबे होंगे, वाइड वीडियो फ्लॉप सीरीज वो लंबे होंगे, सो डिपेंडिंग, मे बी ऑफिस सीरियल लंबे, आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक विच आई कैन कवर। TIP वीडियोज लाइक दिस विल ऑब्वियसली बी लॉन्ग। सो थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू ऑल इन्जॉयड ऑल द अपडेट्स। होपफुली कुछ भी पूछना हो कमेंट्स में पूछेगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी ऑल इन मोर वीडियोज गोइंग सून इन द नियर फ्यूचर। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।